पे हम रास्ता बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाना की सामान सारा पड़ा है, डेग्स वगैरह बन रही हैं। तो इस ये जगह बच्चों यार उठो चलो काम करो, शाबाश। रोल यहाँ बैठने पे आए, चलो नहीं अल्लाह देसी हम पे जनाब ट्राली निकाल रहे हैं क्योंकि बर्तन जो धोने वाले थे वो वॉश करने वाले थे वो वहाँ पे रख के अब आ गए। और यहाँ पे तो ये जनाब नाश्ता लेके जा रहे हैं हम लेबर का, तो अभी नाश्ता करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह खुद करेंगे, बाकी काम स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विलेज वाइब। अल्लाह के करम और फजल और शुक्र के साथ मैं ठीक और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खरीश होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो व्यूज़ मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह जनाब सूरज ने आँख निकाल ली है, तो अभी माशाल्लाह सुबह का मंजर है। दो मिनट सिर्फ दो मिनट बेंदा बैठा हाँ। तो जनाब सुबह सुबह नाश्ता लेके जा रहे हैं हम मेहमानों का, आराम ना दानिश आराम ना, और मैं पा रही सर मौज नहीं पीते देखो काफता। तो ये जनाब नाश्ता लेके जा रहे हैं हम लेबर का, तो अभी नाश्ता करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह खुद करेंगे, बाकी काम स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा। आप दे नहीं रहे जाओ यार, उन्होंने पीनी है अब तक अभी अल्लाह जी का समय जेडा को जनाब। अभी ये सामान हमने भाई नाश्ता कर रहे हैं वो फिर अनलोड करेंगे, और अनलोड करने के बाद यहाँ पे अपना स्टेज वगैरह बनाए। स्टेज कहाँ पे बनाए इमरान? ये सामने वो जनाब नाश्ता हमारा आ चुका है, तो हम नाश्ता अब कर रहे हैं और मेरे साथ दोस्त है कजन। नहीं कुछ और चाहिए इमरान? चलो चीनी भी आ चुकी है और चाय भी आ रही है, नाश्ता करते हैं। आप लोगों ने करना है तो जी बिस्मिल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं नाश्ता करने के बाद। ले क्या तो जनाब सामान आ चुका है और सामान अब जनाब हम अनलोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, धुलाई के लिए वॉश होने के लिए रखेंगे और फिर वॉश करवा के जनाब फिर ले जाएंगे जनाब। स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं मौलाना गज्जू बाबा, तो बयान फरमाएंगे जनाब, थोड़ी देर तक आपको बयान इनका सुनाया जाएगा। तो हम पे जनाब ट्राली निकाल रहे हैं क्योंकि बर्तन जो धोने वाले थे वो वॉश करने वाले थे वो वहाँ पे रख के अब आ गए, और यहाँ पे ट्राली निकाल लें और यहाँ निकाल उठे की बने अगर हो तो समान चाहोगे फिर तो ट्रैक्टर लेके आना पे फिर सब पीछे करके देने पे पीछे खड़ा कर दो ताकि सामान लोड कर दे ये हां जो तो फिर ट्रैक्टर लेके पास चलो ठीक है। अच्छा ही जी तो जनाब साथ में हेल्प करवा रहे हैं चौरी कशान साहब और इमरान साहब। क्या बता सादर के करना है हमें के करना इतने तेरा क्या काम है चंगा क्या हाँ तो मॉल भी कड़ा कड़ा सदे ने खत्म थे मॉल भी सर्वर हाँ दो मॉल भी केड़े केड़े एक साथ लामी साथ मसीह ताला अच्छा इधर मैं इधर वे एक गाल करना एक
मौनी मुनीर ओ खड़ा मौनी मुनीर सुल्तान हाफिज सुल्तान हां बाबा की देवा गया इधर उत देख काल करना ओ काल ने गया ध्यान ते ओ काहे पेउन मो मैनू दे विच मार धाक जा था दाल नहीं ते जड़ी यार रोटी छोटी पकदी पई ए मु काहे खावणी जे बाबा तो कोई नहीं ता ए मैं कल्ला खासा कल्ला और ते जड़ी हट्टी तो शाह शू खाना ते ए मु पैसा देंदो ना और कैनू बाबा वाग गया हिस्से खत्म पियो कुछ हाई लाऊ तो सांझ मोक गई मेरा मांगा हर कोई अपने अपने घर खासे इंज नहीं बस बच्चो यार उठो चलो काम करो शाबाश रो नहीं यहाँ बैठने पे चलो नहीं अल्लाह देसी अल्लाह ही देंदा ही तो यहाँ पे जनाब अब मिश्रे वगैरह किए जा रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से आनी ट्राली कहाँ से आनी और देगे कहाँ से आनी ये फिल्म सीन से उड़ा के लेके आनी है ये ड्रोन पे जनाब ये पाइप लेके आ गए हैं यहाँ पे पानी का छिड़काव करना है क्योंकि गाड़ी वगैरह गुजरेंगी तो जनाब धूल मिट्टी वगैरह उठेगी इस वजह से पानी का छिड़काव कर रहे हैं वहाँ मोटर पे लगाने के जा रही है पैंप तो जनाब यहाँ पे हम रास्ता बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाने की सामान सारा पड़ा है देख वगैरह बन रही है तो इसलिए रास्ता बंद कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी वगैरह कोई यहाँ पे ना आ सके तो इन्हें मदद कर रहे हैं जनाब चोरी कशान कोई मार जावे कोई पत्नी अमरूद पट्टन जा रहे हैं चोरी दे अमरूद खत्म गवांडियां चोरी पढ़ने का मैं बाबा पढ़ने मैं आप पढ़ना कहाँ पढ़ते बाबा राव आता है उसी पढ़ते तो ही पढ़ते और ते ज्यादा सवाब बंदा है चोरी दे छलियां भी भून के रखनी है क्या हो दादा खांदा रातियों खा ले जाके रातियों खा ले वो मूंगफली खाता है तो फिर जनाब हम लेने जा रहे हैं जो कि खत्म शरीफ में रखना है अमरूद फ्रूट बाकी लेके आ गए थे मंडी से अभी जनाब अमरूद लेके जाने हैं तो फिर जनाब बाकी जो अमरूद रहते थे वो अब लेने आए तो मेरे साथ इमरान भौजिया मलिक इमरान साहब और दूसरा मलिक इमरान साहब और साथ में लामशीर हैं सामने जा रहे हैं जो कि हमें दिखाएंगे कि कहाँ से तोड़ने हैं क्योंकि हमारे अमरूदों के ऑनर यही है क्योंकि इनका बाग है अच्छा। तो इनको मैं आज इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ये मेरे मामू जान है अस्सलाम वालेकुम मामू जान है इनका ये बाग है तो ये खुद सेल करते हैं मतलब के तुड़ाई करवा के तो आपको बताएंगे बहुत समझ तो अब तोड़ रहे हैं जनाब अली तो साथ में इमरान भी हेल्प करवा रहे हैं ये अमरूद जो है ना पक्के तोड़ने हैं कच्चे नहीं तोड़ने तोड़ेंगे क्योंकि खत्म में रखने हैं साफ ये नहीं निशान वाले नहीं तोड़ने खराब है इमरान आप गलती कर रहे हैं यार इमरान भुजिया ये गलत है ये खा लो साफ साफ तोड़ने हैं क्योंकि खत्म में रखने हैं फिर इस वजह से ना खत्म में इमरान यार इधर आओ जी जी वो वाला इमरान जी बेटे तोड़ो यार जल्दी हाँ तब्दील करो ना वो वाला तो ये वाला आलू है ना ये है अमरूद आवाज देते थाल देना मामला है जाते बस काट काट के दो गया हो ना सुना जल्दी कर जल्दी करो ना सुनाओ ये गाड़ी किसकी है गाड़ी तेरी है
कह शेर की है, शेर खान की है, किधर है, किधर सुता पे, कहाँ पे? जनाब ये सारे मसाले बना के रखे गए हैं, तो अभी जनाब चीनी का वजन करके तो हम भाई पल्ला लेके जा रहे हैं पहलवान साहब किधर देख में। तो जनाब जो जर्दा बना रहे हैं ना, तो उसके लिए चीनी का वजन करके तो देख में डालेंगे। बाकी वो मटर है, बाकी बंद गोभी, गाजर और चिकन, इसके बाद ये मसाला जो टमाटर वगैरह, और ये जनाब शिमला मिर्च और लीमू वगैरह, ये सारे काट के मसाले रख दिए गए। और अभी इंशाल्लाह देख स्टार्ट है। चाइनीज बनाने की रेसिपी जनाब, ये चाइनीज चावल में डाल रहे हैं जनाब मटर, और कितने आना है चमचे? पांच मार यार, नो नियत मारी पांच यार। कितने देख यार? दस। नमकीन कितनी? नमकीन पांच दस नहीं सात है। चाइनीज पांच ओ सौदा सौदा खाने वाला अपराध किधर गत्ती गई? अल्लाह ये भाई लग रहा है कितने थोड़ी नहीं तके ही नहीं अंडे भी डाले जा रहे हैं। और तो और जाऊं छोटियां बारह बारह परोने नहीं तो मैं ठहरा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए सूरज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।